गुड आफ्टरनून क्लास. अब टुडे आई विल टीच यू द सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस. आई विल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट पार्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव. इन असर्टिव और डिक्लेरेटिव देयर आर टू पार्ट्स, अफर्मेटिव और निगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव मेक अ स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग. किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम निर्णय लेते हैं. कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम क्लियर करते हैं. जस्ट आई हैव टेकन एग्जांपल फॉर माय साइड. कमची चमकी सेट होने वॉल, ये एक पोयम की लाइन है जिसको सभी ने नर्सरी और KG में पढ़ा है कि हमटी चमची बैठा हुआ है काम पे वॉल पे. एंड आई फिनिश माय हिस्ट्री प्रोजेक्ट यस्टरडे. मैंने अपना हिस्ट्री का प्रोजेक्ट कल पूरा कर लिया है. आई वॉच्ड अ रियली फनी फिल्म लास्ट नाइट, जो कि मैंने कल रात में एक बहुत ही फनी मूवी यानी कि कॉमेडी मूवी देखी रात में. ही कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द निगेटिव. ही डिड नॉट कम्प्लीट हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कम्प्लीट नहीं किया है. बिकॉज आई एम यूजिंग द डिड नॉट. डिड नॉट हम तब यूज करते हैं उन सेंटेंसेस में जिसमें जो काम नहीं किया है, नहीं हो रहा है. जस्ट लाइक डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हम इस टाइप्स के वर्ड नॉट यूज करते हैं इन सब के साथ में. तो वो हमारे जो होते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस जिसमें नॉट यूज करते हैं, वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.